हमीरपुर जिला में नगर परिषद और नगर पंचायत के साथ जिला परिषद के कांग्रेस उम्मीदवारों की कांग्रेस ने घोषणा कर दी है। हमीरपुर में सुबह से चली बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अध्यक्षता में उम्मीदवारों के नामों को लेकर माथापच्ची की गई। वहीं इस दौरान विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक राजेंद्र राणा, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पटियाल के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। हालांकि नगर परिषद के 11 वार्डों में से 4, 7, 8, 9 वार्डों में ज्यादा उम्मीदवारों के मैदान में होने से अभी इन वार्डों से किसी का भी कांग्रेस ने प्रत्याशी फाइनल नहीं किया है। वहीं हमीरपुर विकास खंड के 2 जिला परिषद और नादौन में भी जिला परिषद सदस्यों के नाम अभी लंबित रखे हैं, जिनका चयन 1 या 2 दिनों में किया जाएगा। अपने चरम सीमा पर इस वक्त कैंपेन चला हुआ है, लोगों का नॉमिनेशन हो रही हैं और सबसे ज्यादा होड़ लगी है पंचायत प्रधान के लिए और उप प्रधान के लिए। और जिला परिषद के भी हमारा 18 वार्ड है, उनमें से हमने जो इस वक्त तक जो तय किए हैं उनकी लिस्ट में सबसे पहले आपको बताता हूँ। मैं शुरू करता हूँ बड़सद से। तो बड़सद से हमारा पहला वार्ड है, 11 नंबर वार्ड करेर। करेर से हमने दिया है संजय कुमार, संजय कुमार करेर वार्ड से जिला परिषद के लिए। ये वार्ड ओपन है, इसमें संजय कुमार हमने दिया है। दूसरा हमारा है ओपन महिला का वार्ड 12 नंबर बिजड़ी। बिजड़ी में से हमने दी है मीना कुमारी, जो एक्स प्रधान रही है बिजड़ी पंचायत की 2 बार, ये हमने यहाँ से कैंडिडेट दी है। बाकी 13 नंबर वार्ड है बटसर, वो भी महिला ओपन है, उसके लिए हमने दी है श्रीमती संतोष डोगरा। ये वो डोगरा नहीं है, ये दूसरी डोगरा है, श्रीमती संतोष डोगरा जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट थे बिपिन डटवालिया, उसकी वाइफ है और ये प्रधान भी हैं इस वक्त और वकील भी हैं पेशे से। तो ये हमने दी है वहाँ से बटसर वार्ड से 13 नंबर से। 14 नंबर है हमारा दांदडू वार्ड, जो पहले बड़ी वार्ड के नाम से जाना जाता था। ये ओपन है वार्ड, इसमें हमने दिया है श्री कमलजीत सिंह बनियाल, कमरजीत सिंह ही लिखते हैं वो अपना नाम, वो दिए हैं हमने, जो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के जो मैनेजर भी रह चुके हैं और काफ़ी सुलझे हुए अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, ये हमने वहाँ से दिया है ओपन वार्ड से। ये तो हुआ बटसर भोरंज पे। भोरंज में हमारे 4 वार्ड हैं। पहला वार्ड है वहाँ पे जाहू, जो पहले दमरोल वार्ड से जाना जाता था, वो महिला ओपन के लिए है वार्ड, और उसमें दी है हमने श्रीमती राजकुमारी। ये महिला ओपन के लिए है श्रीमती राजकुमारी जाहू वार्ड से। फिर आता है खरवाड़ वार्ड, जो ओबीसी महिला के लिए सुरक्षित है, और इसमें हमने दी है श्रीमती सावित्री देवी, जो पहले 2 बार प्रधान भी रह चुकी हैं, उसको हमने यहाँ से दिया है। और तीसरा है धीरड़ वार्ड, जो पहले समीरपुर वार्ड के नाम से जाना जाता था, उसमें से हमने दिया है श्री संजीव कुमार। इनकी वाइफ पहले भी जिला परिषद की मेंबर रह चुकी है संगीता शर्मा, संजीव कुमार को हमने वहाँ से धीरड़ वार्ड से कैंडिडेट दिया है। फिर आता है भोरंज वार्ड भी ओबीसी महिला के लिए रिजर्व है, इसमें हमने दी है स्वतंत्र भारद्वाज, श्रीमती स्वतंत्र भारद्वाज यहाँ से हमने कैंडिडेट दी है भोरंज वार्ड से, जो ओबीसी महिला के लिए रिजर्व है। तो ये तो भोरंज हो गया। बट सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में 4 वार्ड हैं, एक है वहाँ से बगेड़ा वार्ड, जिसमें हमने लेखराम ठाकुर दिए हैं, जो पहले
बीडीसी के वाइस चेयरमैन हुआ करते थे, लेखराम ठाकुर वहाँ से कैंडिडेट होंगे हमारे, और यह ओपन है, सब ओपन है, बिल्कुल अनारक्षित है। और उसके बाद आता है करोट वार्ड, जो एससी महिला के लिए सुरक्षित है, तो इसमें हमने दी है श्रीमती सुमन कुमारी करोट वार्ड से। और फिर आता है द्रोगण वार्ड, द्रोगणपति कोट वार्ड आता है, जो भी एससी महिला के लिए सुरक्षित है, और इसमें हमने दी है श्रीमती रजनी कुमारी, उर्फ उसका अलायस भी है अनु बोलते हैं, तो ये पता नहीं वो कैसे लिखेगी कि अब इसमें, पर इसका असली नाम जो है वो रजनी है, उर्फ अनु। और चौथा वार्ड है वहाँ पे अनु वार्ड, जिसको पहले साकड़ वार्ड के नाम से जाना जाता था, वो है ओपन महिला के लिए, जिसमें हमने दी है श्रीमती आशा देवी, आशा ठाकुर वहाँ से दी है कैंडिडेट। तो ये चार वार्ड वहाँ के भी हो गए। पर मैं जो पूरे वार्ड्स हैं वो हैं दो, एक जंगल रोपा वार्ड है और एक है ये आपका दलोट वार्ड। तो इनमें क्योंकि आपको पता ही है कुलदीप पठानी हैं जो यहाँ से पिछली बार हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं विधानसभा के लिए, उनकी मदर की डेथ हो गई है कल, तो इस वजह से हमने उनकी ओपिनियन भी इसमें लेनी थी, तो इस वजह से हमने ये दो एक दिन के लिए पेंडिंग रखा है। दो दिन बाद इन दोनों वार्ड्स की हम अनाउंसमेंट कर देंगे जो भी कैंडिडेट आएंगे। और जहाँ तक नदौन का सवाल है, नदौन में जो वहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट है कैप्टन पृथ्वी सिंह, वो थोड़े बीमार चल रहे हैं और अपने चेकअप के लिए वो शिमला गए हैं, वो एक आधे दिन में आ जाएंगे। और विधायक भी शिमला में इस वक्त, वो भी यहाँ पहुंचकर ये सारा जो प्रक्रिया है इसको पूरा करके हमें उसकी इत्तला दे देंगे, उसके बाद उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। ये तो रहा जिला परिषद से शुरू होता हूँ मैं, तो हमीरपुर म्यूनसिपल कमेटी में 11 वार्ड हैं, तो 11 वार्ड में से हमने अधिकतर के नाम फाइनल कर लिए हैं। कुछ एक नाम जहाँ पे दुविधा है, दो या तीन कैंडिडेट्स हैं, तो उनको हम आपस में बिठाकर मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी वो भी दो एक दिन में आपके सामने आ जाएंगे। बाकी जो हमने फाइनल कर लिए हैं उनकी लिस्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। वार्ड नंबर एक जो महिला ओपन है, उसमें हमने दी है श्रीमती नीना चौधरी वार्ड नंबर एक से। वार्ड नंबर दो एससी के लिए रिजर्व है, उसमें हमने दिया है रंजीत धीमान। और तीसरा वार्ड है जो एससी वीमेन के लिए है, उसमें दी है हमने श्रीमती सुमना देवी। और जो चार नंबर वार्ड है वहाँ पे थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है, वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो उनको आपस में आपसी सहमति बनाकर हम एक कैंडिडेट का फैसला दो एक दिन में कर लेंगे। रहा वार्ड नंबर पाँच जो वीमन ओपन के लिए है, जिसमें हमने श्रीमती राधा चौधरी को कैंडिडेट दिया है। फिर है वार्ड नंबर छः जो वीमन के लिए ओपन है, उसमें हमने दी है श्रीमती रजनी वर्मा जो कैंडिडेट दी है। वार्ड नंबर सात में थोड़ा वही प्रॉब्लम है, दो या तीन कैंडिडेट्स हैं, उनको भी हम बिठा के आपस में बात करवा के दो एक दिन में उसका भी फैसला कर लेंगे। वार्ड नंबर आठ जो ओपन वार्ड है, उसका क्या करना है?
इसका भी पेंडिंग ही रखते हैं। अभी तक इसमें भी दो एक आदमियों का आपस में सहमति नहीं बन पा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं उनकी सहमति बन जाए तो हम ये दो एक दिन में इसको भी आपके सामने इस नाम को भी दे देंगे। इसको भी आपके सामने दे देंगे। बाकी रहा सवाल वार्ड नंबर 9 जो महिला ओपन का है, वहाँ भी दो तीन कैंडिडेट हैं, यहाँ भी पेज फंसा हुआ है, तो हम उनको बिठा के आपस में आपसी सहमति से एक कैंडिडेट दो एक दिन में तय करके दे देंगे। वार्ड नंबर 10 से हमने दिनेश गौतम का नाम फाइनल किया है, वार्ड नंबर 10 से जो ओपन वार्ड है उससे हमने दिनेश गौतम का नाम फाइनल किया। उर्फ गोलू, दिनेश गौतम उर्फ गोलू उसका नाम है, वो हमने फाइनल किया है। और वार्ड नंबर 11 से हमने किया है देवीदास शहनशाह, शहनशाह के नाम से जाना जाता है वो, देवीदास शहनशाह। ये वार्ड नंबर, ये म्यूनसिपल कमेटी के जो हमीरपुर के नाम है वो आपके सामने मैंने रखे। विधानसभा क्षेत्र में भी भोरंज में कोई म्यूनसिपल कमेटी नहीं है, बड़सर विधानसभा में जो म्यूनसिपल कमेटी है, ये नगर पंचायत है, उसके उसके नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे वार्ड नंबर 1 है उसमें SC महिला के लिए वो रिजर्व है, तो उसमें हमने जो इस वक्त सिटिंग जो वहाँ की प्रेसिडेंट है श्रीमती सर्वजीत कौर, उसको कैंडिडेट फिर से कैंडिडेट दिया है। बाकी है वार्ड नंबर 2 जो ओपन महिला के लिए है, उसमें हमने श्रीमती प्रेमलता को कैंडिडेट दिया है। और वार्ड नंबर 3 है ओपन है, जिसमें हमने डॉक्टर ललित भारद्वाज है उनको हमने कैंडिडेट दिया है। वार्ड नंबर 4 है ओपन है, जिसमें हमने श्री राजेश कुमार को कैंडिडेट घोषित किया है। बाकी है वार्ड नंबर 5, ये SC के लिए रिजर्व वार्ड है, इसमें हमने शरण प्रसाद जो दो बार प्रेसिडेंट भी रहे हैं इसके नगर पंचायत के और इस वक्त भी वार्ड मेंबर है, उनको हमने कैंडिडेट दिया है, शरण प्रसाद। फिर है वार्ड नंबर 6 जो ओपन वार्ड है, जिसमें हमने बलदेव राज को अपना कैंडिडेट बनाया है। फिर है वार्ड नंबर 7, क्योंकि 7 ही वार्ड है इसमें, वार्ड नंबर 7 है ओपन महिला के लिए, जिसमें हमने श्रीमती रजनी वाला को कैंडिडेट घोषित किया है। तो ये तो रही नगर पंचायत पे, नगर परिषद है वो, तो उसमें टोटल वार्ड बचते हैं 9, जिसमें वार्ड नंबर 1 से हमने दिया है श्रीमती पुष्पिंद्रा भारद्वाज, भटनागर सॉरी, श्रीमती पुष्पिंद्रा भटनागर वार्ड नंबर 1 से कैंडिडेट होंगी। वार्ड नंबर 2 से श्रीमती अंजना देवी कैंडिडेट होंगी। वार्ड नंबर 3 से श्री दीप कुमार कैंडिडेट होंगे। वार्ड नंबर 4 से श्री मनोज कुमार कैंडिडेट होंगे। वार्ड नंबर 5 से श्रीमती किरण देवी कैंडिडेट होंगी। श्रीमती 6 वार्ड से श्रीमती मधुबाला कैंडिडेट होंगी। वार्ड नंबर 7 से भूपेंद्र कुमार कैंडिडेट होंगे। वार्ड नंबर 8 से बीना धीमान हमारी कैंडिडेट वहां से होंगी। वार्ड नंबर 9 से मुनीश गुप्ता को कैंडिडेट घोषित किया है। ये पूरी लिस्ट हमने दे दी।